मम्मी है और चारू, देखिए मम्मी को प्रणाम कर लेते हैं। यहाँ पर सारा सामान उतार लिए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, हम लोग भट्टे से निकल चुके हैं। उधर का ब्लॉग आप सभी को चारू पापा बताएंगे और अभी फिलहाल हम लोग टेम्पू में है। टेम्पो में सारा सामान ले लिए हैं। ये हमारा बक्सा, ये बैग और यहाँ पर भी बैग और चारू, और चारू के साथ में हम लोग दोनों बैठे हुए हैं चुपचाप। काफी ज्यादा एकदम पानी आया, मौसम पूरी तरह से खराब किया हुआ है, ठंडा पूरी तरह से लग रहा है एकदम। चारू पापा आगे बैठे हुए हैं, ड्राइवर है। अभी टाउन में आ चुके हैं हम लोग, टाउन के अंदर में है। तो अभी पूरा तरह से दुकान सब अभी बंद ही है। अभी टाइम हो रहा है, बज रहा है 6 बज रहा है अभी फिलहाल। और अभी हम लोग मतलब रात का ब्लॉग में भी नहीं बताने पाए क्योंकि सारे कुछ जल्दी जल्दी में पैकिंग किए और टेम्पो वाले भैया को जल्दी कॉल किया वहाँ पे, और अभी फिलहाल निकल गए हैं। तो आगे ब्लॉग में पता चलेगा, बने रहिएगा। हम लोग उतर चुके हैं और टेम्पो को भगा, मतलब पैसा दे करके वो चला गया। और आने के बाद हम लोग यहाँ पर सारा सामान उतार लिए हैं। बस ये देखिए चढ़ गई, बस के आने की देरी है, बस आ गया, आ गया है, पता नहीं थोड़ा सा लेट है, 5-10 मिनट। तो हम लोग सामान उतार लिए हैं, बस यहाँ से डायरेक्ट जाना है हम लोग को। सॉरी चंदवा, दादी को नहीं करेगी ना, उधर दुकान देखा रही है। नहीं अभी नहीं, लो दुकान में अभी नहीं, मीठी खाना है ना। बस से बैठ चुके थे बस, और बैठने के बाद में अभी बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। 1 घंटा से 1.5 घंटा हो चुका है अभी फिलहाल है यहाँ पर बस स्टैंड पर। तो यहाँ पर सवारी भराएंगे, आधे घंटे लग जाएगा यहाँ पर खड़ा होगा कम से कम, फिर उसके बाद में फिर चलेंगे। ये सारे कुछ यहाँ पर दिखाता है, कौन सा जगह है पता नहीं, कौन सा जगह पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पर मकई बेचाने आया है भुट्टा, तो बोल रहे लेने के लिए, वैसे तो नहीं खाएंगे। और चारू सो गई है, नींद आ गई पूरी तरह से, यहाँ पर गोदी में मिठाई खाई, कुरकुरे खा करके और सो गई। तो जस्ट चारू उठ गई, देखिए पूरा यहाँ पर हल्ला हो रहा है ना, कोई कोई चीज बेचाते रहता है, बस में चढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर चारू भी उठ गई और यहाँ पर देखिए रोटी हम लोग रात को ही बनाए थे, वही वाला रोटी है और सब्जी तो उसी को लेते आए हैं, तो खाएंगे अभी फिलहाल। और टाइम अभी 9 बज चुका है, तो नास्ता कर लेते हैं, उसके बाद अभी हम लोग को तो अरे बाबा इतना सब्जी उठाई गिराएगी तुम, पहुँचने में हम लोग को कम से कम 2 बज जाएगा। तो इस चलते थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, पानी ले आए हैं बोतल में। दुकान का सामान खाएंगे फालतू, दुकान का काफी ज्यादा महंगा है ना, महंगा नहीं और पसंद नहीं लगता। यहाँ पर है तो खा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके घर और यहाँ पर सामान है, ये सामान सारे को उतार रहे हैं। और यहाँ पर मम्मी है देखिए और बाबू, तो सारे सामान को उतार लेते हैं। काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा भारी है एकदम, पूरा सामान है, सामान भरा हुआ है। ये देखिए हम लोग का लगभग 2:30 बज चुका है, 2:30 बजे हम लोग यहाँ घर पर पहुंचे हुए हैं और धूप पूरी तरह से निकल गया है, धूप है एकदम। और एक बैग भी है अंदर निकालिए। तो फाइनली पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं घर के अंदर, उसके बाद में सारे बात आप सभी को बताएंगे। और मम्मी है और चारू, देखिए मम्मी को प्रणाम कर लेते हैं। देखिए खुश हो गई ना दादी ने। ये देखे बाबू, कब बाबू, बहुत रो रहा था बाबू,
खुश रहो। देखो बाबू गौर लग रहा है, बाबू काफी ज्यादा रो रहा था, परेशान हो रहा था, जब कॉल में बात कर रहे थे तो रो रहा था, अभी जस्ट आ गए ना बाबू, खुश हो गया ना, बहुत खुश बहुत खुश है अभी। तो आने के बाद में सारे हाल समाचार पूछ लिए, बातें किए, और उसके बाद में थोड़ा सा खाना खा लिए, आलू बैगन का सब्जी मम्मी बनाई थी, और उसके बाद में अभी फिलहाल घर का होगा सारा साफ सफाई, सारे बच्चे सब देखने के लिए आए हुए हैं, चारों का चॉकलेट था उसी को बांट दे रहे हैं, खा रहे हैं, चारों को काफी ज्यादा भी सर्दी हो जाती है, खाती है, तो अभी साफ सफाई में लगे हुए हैं, सारा कुछ ओरिया करके धरना है, उसके बाद में फिर अंदर में भी सरसों है ऐसे ही रखा हुआ है बिन बोरा में, तो यहाँ पर बोरा है तो बोरे में ही डाल करके रखेंगे, और पूरी तरह से बोल रहे मम्मी की आंधी तूफान पूरी तरह से आया हुआ था, तो एकदम झोल और गंदा पूरी तरह से गिरा हुआ है, तो इसको पूरी तरह से साफ करेंगे। तो मम्मी यहाँ पर बोदी का दाल है, दाल नहीं बनाया हुआ है, सिर्फ बोदी है, तो इसको गरम करके और रख दी है, तो इसको दरर के और उसके बाद में दाल बना करके खाना है, तो यहाँ पर पोलोथिन में डाल देते हैं, और इस सूप को खाली करेंगे, तो ही यहाँ पर सरसों रखा हुआ है, तो सरसों को ओरिया करके रखना है, बोरा में रख देंगे, तभी तो हम लोग का डिशला यही पर रहता है, यही जगह पर इसको बिछाएंगे, तभी तो इस चलते इसको हम रख दे रहे हैं ओरिया करके, प्लास्टिक भी पूरी तरह से फटा हुआ है। भी हो चुका है बहुत ज्यादा शाम, क्योंकि आने के बाद में खाना खाएं, खाना खाने के बाद में फिर उसके बाद में थोड़ा सा आराम किए, फिर झट से ही काम शुरू कर दिए साफ सफाई का, तो साफ सफाई पूरी तरह से हम कर दिए हैं, झाड़ू वगैरह पूरी तरह से गंदा था, क्योंकि कल शायद पूरी तरह से आंधी तूफान चला था, तो पूरी तरह से गंदा था, तो साफ कर दिए, और सारा सामान हमारा यहाँ पर बक्से में ही बिखरा पड़ा हुआ है, इसको हम अच्छे से कल सुबह सेट करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा एकदम थकान लग रही है, और यहाँ पर रख दिए हैं हमारा बैग में अभी चारों को कपड़ा चेंज कर दिए हैं, और यहाँ पर छोटा खाटी में, चारों का खाटी है ये, यहीं पर हमारा रजाई रखा हुआ है, तो ये बिस्तर सबको अच्छे से सेट करेंगे, यहाँ पर डिसाएंगे, और वैसे ही जिस तरह से पहले रह रहे थे उसी तरह से रहेंगे, और पकाएंगे खाएंगे, यहाँ पर सारे बर्तन सब है, और गैस सिलेंडर है, इसको अभी नहीं भरवाएंगे, आषार का टाइम में भरवाएंगे, क्योंकि आषार का टाइम में थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होता है खाना बनाने के लिए, और उसके बाद में अभी तो गोटे साफ सफाई कर दिए हैं, सरसों को यहाँ पर रख दिए हैं बोरा में, और फिलहाल तो पूरी तरह से थकान लग रही है, माथा दर्द दे रहा है एकदम काफी ज्यादा, क्योंकि अभी नहाने नहीं पाएंगे, साफ सफाई करते ही काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, तो उसके बाद में फिर नहाने धोने नहीं पाए, और कल सुबह नहाए धोएंगे और साफ सफाई होंगे, क्योंकि अभी तो पूरी तरह से शाम हो चुका रहा, हम लोग का यहाँ पर टंकी में पानी भी नहीं है, हम लोग को दूर जाना पड़ रहा था पानी लेने, और वहाँ पर तो था चपाकल, तो चपाकल से जल्दी ला करके और सारा काम कर ले रहे थे, और फिलहाल अभी तो यहाँ पर अधन चढ़ाए हैं, मम्मी चढ़ा करके गई है बकरी बांधने, हमको तो शाम हो गया काम करते ही, बर्तन सारे कुछ धोते ही, तो यहाँ पर अधन चढ़ा दी है, दफन होगा, ये भतीजिन और प्रिया नाम है इसका, और चारू खेल रही है दोनों, फिलहाल अभी शाम का खाना बनेगा, और खाना खाएंगे बनाएंगे, फिर उसके बाद में सोएंगे, और कुछ नहीं, फिर कल सुबह फिर आप सभी को बताएंगे ब्लॉग में कि क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है हमारे गांव में, ये सब सारे कुछ बताएंगे, फिलहाल तो अभी तो शाम हो गया काफी ज्यादा, तो बताने तो नहीं पाएंगे, तो चलिए ब्लॉग को इतने ही रखते हैं, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।